नमस्कार दोस्तों, एसस ने लॉन्च कर दिए हैं दो बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप्स, एसस टफ A17 और A15 इंडिया में। और इन लैपटॉप्स में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपने किसी भी लैपटॉप में नहीं देखे होंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्पेशल है इन लैपटॉप्स में, इनकी प्राइजिंग, और क्या आपको 2020 में ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं। मेरा नाम है ऋषभ और आपका स्वागत है साइबर वर्ल्ड में। तो फिर इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। दोस्तों साइड बाय साइड कंपेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो A15 वेरिएंट है वो हाई वेरिएंट है और जो A17 वेरिएंट है वो लो वेरिएंट है। अब प्रोसेसर की बात करें तो A15 में तीन प्रोसेसर वेरिएंट आते हैं, Ryzen 9 4900H जिसका क्लॉक स्पीड 3 GHz है और टर्बो बूस्ट 4.4 GHz तक है। सेकेंड वेरियंट की बात करें तो Ryzen 7 4800H जिसकी क्लॉक स्पीड 2.9 GHz तक है और टर्बो बूस्ट 4.2 GHz तक है। सबसे लास्ट में आता है Ryzen 5 4600H जिसका टर्बो बूस्ट 4.0 GHz पर है और जिसकी क्लॉक स्पीड है 3.0 GHz पर। दोस्तों A17 की बात करें तो A17 में खाली दो प्रोसेसर वेरिएंट आते हैं, Ryzen 7 4800H और Ryzen 5 4600H जो दोनों सेम प्रोसेसर हैं A15 के मिड और लोअर वेरिएंट वाले। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में सेम आते हैं, मेमोरी दोनों में ही 32 GB तक एक्सपेंड हो सकती है और दोनों में दो वेरिएंट आते हैं, 8 GB और 16 GB वाला, जो DDR4 रैम में 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी पर चलने वाली। और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी मिलता है, आप 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं रैम। अब बात करें डिस्प्ले की तो जो A15 है उसमें दो वेरिएंट आते हैं, दोनों ही वेरिएंट 15.6 इंच के फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल होते हैं। बस फर्क ये है कि जो हाई एंड वेरिएंट है उसमें 144 Hz का रिफ्रेश रेट है और जो लो वेरिएंट है उसमें 60 Hz का रिफ्रेश रेट है। यही बात करें A17 की तो A17 में भी दो वेरिएंट आते हैं डिस्प्ले में, दोनों ही 17.3 इंच के होते हैं और फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल होते हैं। बट जो लो वेरिएंट होता है उसमें 60 Hz का रिफ्रेश रेट होता है और जो हाई वेरिएंट होता है उसमें 120 Hz का रिफ्रेश रेट होता है। A15 और A17 दोनों में ही एडाप्टिव सिंक अवेलेबल है डिस्प्ले में। दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड के सेगमेंट में बात करें तो Asus ने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया है A15 और A17 दोनों के ही ग्राफिक्स कार्ड के साथ। Asus ने A15 में 4 वेरिएंट दिए हैं और A17 में 3 वेरिएंट दिए हैं। A15 के 4 वेरिएंट में से जो सबसे टॉप वेरिएंट है वो RTX 2060 6 GB VRAM वाला है। उसके बाद आता है GTX 1660 Ti 6 GB VRAM वाला, ये भी है। उसके बाद आता है 1650 Ti 4 GB VRAM वाला वेरिएंट है और जो सबसे लास्ट आता है वो 1650 4 GB VRAM वाला ये वेरिएंट है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स, जो स्पेशल फीचर्स है वो 1660 Ti और उसके ऊपर वाले वेरिएंट में अवेलेबल है। यही बात करें A17 की तो उसमें 3 वेरिएंट आते हैं, जो सबसे टॉप वेरिएंट होता है वो GTX 1660 Ti 6 GB VRAM वाला होता है। उसके बाद जो वेरिएंट आता है वो GTX 1650 Ti 4 GB VRAM वाला है और जो सबसे लास्ट वाला वेरिएंट है वो GTX 1650 4 GB VRAM वाला है। अब स्टोरेज और अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो दोनों ही मॉडल A15 और A17 में आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया जाता है रैम को अप टू 32 GB तक अपग्रेड करने के लिए। यहाँ हार्ड डिस्क और SSD की बात करें तो A15 और A17 के सारे ही वेरिएंट में 1 TB SATA हार्ड डिस्क प्री इंस्टॉल्ड आती है। और SSD की बात करें तो मिनिमम लोअर वेरिएंट मॉडल में 256 GB की NVMe PCIe 3rd generation SSD इंस्टॉल्ड आती है। आप जैसे ही मॉडल में अपग्रेड करते हैं या हायर मॉडल लेते हैं तो ये जो SSD है ये 512 GB से 1 TB तक जा सकती है। और जो इसका 1660 Ti वाला मॉडल है और उससे ऊपर वाले सारे मॉडल में ये एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क और SSD के स्लॉट्स अवेलेबल हैं, उससे नीचे वाले में अवेलेबल नहीं है। अब कीबोर्ड की बात करें तो Asus ने A15 और A17 दोनों ही वेरिएंट के सारे हायर और लोअर मॉडल में फुल RGB बैकलिट कीबोर्ड सपोर्ट दिया है विद Aura Sync टेक्नोलॉजी, जिसमें आप पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के कलर्स का और साथ ही साथ इसमें मोड्स भी सेट कर सकते हैं। Asus ने ओवरस्ट्रोक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया है, जिसमें Asus का दावा यह है कि 20 मिलियन की प्रेसेस के बाद भी आपका कीबोर्ड ख़राब नहीं होगा। इन लैपटॉप की साउंड क्वालिटी भी काफ़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि इसमें Asus ने DTSX Ultra के साथ साथ
इमर्सिव सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस भी दिया है। एक गेमिंग लैपटॉप का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसकी कूलिंग भी होता है। फिर चाहे जीपीयू और सीपीयू दोनों ही कितने भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, परफॉर्मेंस में थ्रॉटल करेंगे ही अगर उनको प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसलिए एसुस ने दोनों ही वेरियंट में थर्मल कूलिंग का सपोर्ट दिया है, जिसमें सेल्फ क्लीनिंग डुअल फैंस हैं और साथ ही में मल्टीपल हीट सिंक्स और हीट पाइप्स भी हैं। बट जो एडिशनल 3 हीट सिंक्स और हीट पाइप्स हैं वो खाली 1660 Ti और उसके अबव वाले मॉडल में अवेलेबल हैं। अब प्राइसिंग की बात करें तो जो A17 का बॉनफायर ब्लैक वेरिएंट है वो 60,900 से स्टार्ट होता है और जो फोर्टिस ग्रे वेरिएंट है वो 62,990 से स्टार्ट होता है। अब प्राइसिंग की बात करें A15 की तो Asus ने बहुत अच्छा प्ले किया यहाँ पे। Amazon पर करेंटली 3 वेरिएंट लिस्टेड हैं A15 के, जिसमें से एक Ryzen 5 वाला है और दो Ryzen 7 वाले हैं। Ryzen 9 वाला वेरिएंट अभी लिस्टेड नहीं है। Ryzen 5 वाले का प्राइस है 7990, जिसमें 1 TB की हार्ड डिस्क और 256 GB की SSD मिलती है। बट जो 75 वाला है Ryzen 7 वाला, उसमें खाली 512 GB की SSD मिलती है। और जो 78 वाला है Ryzen 7 वाला, उसमें आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिलती है और 256 GB की SSD मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो 78990 वाला है वो वर्थ द डील है, क्योंकि उसमें 1 TB की हार्ड डिस्क भी मिल रही है और 256 GB की SSD भी मिल रही है। दोस्तों, प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले पता चले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।